स्टूडेंट, सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च की जो यूनिट है मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये हमारी प्रोग्रेस पे चल रही थी और इसके अंदर हम डाटा कलेक्शन एंड टूल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ओपिनियर, स्केल्स, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, एनेक्डोट्स और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में इनका अध्ययन कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्यूशॉट, विजिनेट्स, इन विवो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, इन विट्रो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्यूशॉट से। क्यूशॉट भी एक डाटा कलेक्शन का एक टूल होता है, जिसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके लिए क्या है कि 60 से 100 स्मॉल कॉट का उपयोग में लेते हैं। जो स्मॉल कार्ड्स होते हैं उनके अंदर वर्ड्स, स्टेटमेंट या अदर मैसेज जो है स्मॉल कार्ड पर हम प्रिंटेड किए हुए होते हैं कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया के आधार पर। देन हम फिर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको उन कार्ड्स को अरेंज करने के लिए बोलते हैं किसी स्पेसिफिक डायमेंशन से, जैसे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, मोस्ट हेल्पफुल, लिस्ट हेल्पफुल, तो इसके आधार पर उनको वो अरेंज करना होता है, जिससे हम पार्टिसिपेंट्स के एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी और सेल्फ कंसेप्ट, जो उसके ट्रेड्स होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती हैं पार्टिसिपेंट्स की, उनको क्या है कि हम क्यूशॉट के माध्यम से आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस टेक्निक वॉज डेवलप बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टेफनसन। इस प्रकार की जो टेक्निक है वो ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टेफनसन ने डेवलप की थी। दिस इज़ यूज टू स्टडी अबाउट पार्टिसिपेंट। इसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। एंड ए क्यूशॉट इज प्रेजेंट एज वर्ड, स्टेटमेंट और अदर मैसेज प्रिंटेड ऑन स्मॉल कार्ड अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। क्यूशॉट के अंदर हम कोई भी वर्ड्स, स्टेटमेंट या कोई भी मैसेज होते हैं उनको स्मॉल कार्ड्स में प्रिंटेड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कि कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमको निर्धारित किए हुए होते हैं जिसके आधार पर हम वो मैसेज या स्टेटमेंट उन स्मॉल कार्ड्स के ऊपर प्रिंटेड करवा देते हैं। देन पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू अरेंज दीज कार्ड अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक डायमेंशंस। फिर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम स्पेसिफिक डायमेंशन के आधार पर उनको अरेंज करने के लिए बोलते हैं उन कार्डों को, जैसे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पर या लोअर प्रायोरिटी, मोस्ट हेल्पफुल या लीस्ट हेल्पफुल, इस प्रकार के जो कई डायमेंशंस हैं उसके आधार पर उनको वो कार्ड्स अरेंज करने होते हैं। द नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी सॉर्टेड इज टिपिकली 60 एंड 100, यानी कि जो कार्ड्स हैं जिनको हम यूज़ में ले रहे हैं वो लगभग कम से कम 60 से 100 कार्ड होने चाहिए। देन एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट आर सम ट्रेड्स दैट मे बी मेजर्ड बाय क्यूशॉट। और इस क्यूशॉट के माध्यम से हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी, सेल्फ कंसेप्ट आदि जो विशेषताएं हैं उनके उनको क्या है कि हम मेजर कर सकते हैं आसानी से। क्यूशॉट मे बी अप्लाइड बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरवेंशन। क्यूशॉट जो हम अप्लाई करते हैं वो पहले भी कर सकते हैं या फिर जब हम इंटरवेंशन कर लेते हैं उसके बाद भी हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंटरवेंशन, यानी कि जो हमने इंटरवेंशन किया है उसके इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करने के लिए हम वो अप्लाई पहले और बाद में दोनों ही टाइम हम कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्यूशॉट। अब हम बात करते हैं विजिनेट्स की। विजिनेट्स भी एक टूल होता है डाटा कलेक्शन के लिए। इसमें क्या होता है कि ये एक शॉर्ट सीनरीज होती है जो कि रिटर्न या फिर पिक्टोरियल, यानी कि जो पिक्चर्स होती हैं उस फॉर्म में होती है, सीनरीज होती हैं ये। इनको क्या है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको क्या है कि वो दिखाए जाते हैं और उनको दिखाने के पश्चात हम उनसे क्वेश्चंस करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करते हैं और उसके आधार पर वो उनके रेस्पॉन्स देते हैं। उससे इस जो विजिनेट्स है इससे हम जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उसके बिहेवियर, ओपिनियन और जो परसेप्शन है उसको क्या है कि आसानी से असेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। विजिनेट्स आर शॉर्ट इम्प्रेशनिस्टिक सीन्स दैट फोकस ऑन वन मोमेंट, पर्सन, आइडिया और सेटिंग टू विच रेस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू रिएक्ट। विजिनेट्स एक शॉर्ट इम्प्रेशनिस्टिक सीन्स होते हैं जो कि वन कोई भी एक मोमेंट या कोई पर्सन या किसी उसके आइडियाज़ को क्या है कि फोकस करते हैं, जिसमें रेस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका आंसर उसको देना पड़ता है, उसका रिएक्ट करना पड़ता है, यानी कि जो सीन्स उसके होते हैं उसके सीन्स को दिखा करके पर्सन्स को, जो रेस्पोंडेंट है उसको क्या है कि दिखा करके उससे क्वेश्चंस करके उसको रिएक्ट करने के लिए कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिल के अनुसार विजिनेट्स आर शॉर्ट सीनरीज। विजिनेट्स एक शॉर्ट सीनरीज होती है जो कि रिटर्न और पिक्टोरियल फॉर्म में होती है,
इंडेड टू इलेक्ट रेस्पॉन्स टू टिपिकल सीनरीज, और फिर इन जो टिपिकल सीनरीज होती है उसका जो रेस्पॉन्स है वो उनको देना होता है। टिपिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर आस्क आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ विजनेट्स। विजनेट्स प्रेजेंटेशन करने के बाद आप जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करते हैं और उनका क्या है कि वो एक आंसर देते हैं, रेस्पोंडेंट देते हैं उसका सही तरीके से। दीज मे बी यूज टू असेस रेस्पोंडेंट बिहेवियर ओपिनियन एंड परसेप्शन। इस प्रकार हम विजनेट्स का उपयोग करके हम जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर ओपिनियन और परसेप्शन जो होते हैं उसको आसानी से क्या है कि असेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन वीवो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। इसको हमने पहले भी आपको बताया था ये होता क्या है। इसमें हमने बताया था कि ये एक टूल्स होते हैं जो ऐसे टूल्स होते हैं जिनको क्या है कि हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म डायरेक्टली विद इन और ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ। इस प्रकार के जो मेजरमेंट्स होते हैं इनको हम डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर उसके अंदर जाकर के हम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी के अंदर हम पेशेंट्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या है कि इंसर्ट करवाते हैं। ऐसे ही एंडोस्कोपी के अंदर TPR और BP मॉनिटरिंग के अंदर भी हम पेशेंट की जो बॉडी होती है उसी के ऊपर क्या है कि हम वो मेजरमेंट करते हैं। दूसरा आपका नेक्स्ट जो आता है आपका इन विट्रो बायोफिजियोलॉजिकल मेजरमेंट। इसमें परफॉर्म आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी, इसमें जो मेजरमेंट हम करते हैं वो जो पेशेंट्स की जो बॉडी होती है उसके बाहर करते हैं। जैसे कि ब्लड टेस्ट, कोई भी ब्लड टेस्ट हमको करना होता है तो हम क्या है कि ब्लड निकाल करके और उसका बाहरी लेबोरेटरी पर जाकर उसकी जांच करते हैं। ऐसे ही एक्सरे वगैरह करना होता है, CT स्कैन करना होता है, MRI करना होता है, तो ये क्या है कि हम पेशेंट की जो बॉडी है उससे बाहर ही इनका जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स। यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, जो भी टूल्स हम यूज करते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे होने चाहिए। तो पहला जो आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्षता। इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम बायस, यानी कि ये पूरी तरह से बायस फ्री होना चाहिए, यानी कि कोई भी उसके अंदर कोई भी बायस नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पर्सनल जजमेंट ऑफ द स्कोरर, और जो स्कोरर का जो पर्सनल जजमेंट है वो उसके अंदर प्रभावित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है ग्रहणशीलता, यानी कि आपका जो टूल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी कोई एक्यूरेट जो मेजर है वो सही तरीके से उसको ग्रहण करें और उसको सही तरीके से आपको एक्यूरेटली मेजर कर सके। सेंसिटिविटी रेफर टू ए टूल्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली मेजर वेरिएबिलिटी इन स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स। सेंसिटिविटी जो होती है वो रेफर करती है टूल्स की एबिलिटी को, ताकि वो जो वेरिएबिलिटी आती है, जो रेस्पॉन्स आपको मिलते हैं, वो एक्यूरेटली तरीके से उसको मेजर कर सके। दिस मीन्स टूल शुड बी कैपेबल टू डिटेक्ट चेंजेज और डिफरेंस व्हेन दे अकर। इसका मतलब ये होता है कि टूल कैपेबल होना चाहिए, यानी कि जब भी कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उसको डिटेक्ट करने वाला होना चाहिए, यानी कि उसको डिटेक्ट कर सके और उसको आसानी से क्या है कि उसको चेंज भी कर सके। तो इस प्रकार का टूल आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अप्रोप्रिएटनेस। इसका मतलब होता है उपयुक्तता। द टूल शुड बी अकॉर्डिंग द डिमांड एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट पॉपुलेशंस, यानी कि आपका जो टूल होगा वो टारगेट पॉपुलेशंस की करेक्टरिस्टिक्स और उसके डिमांड के आधार पर होना चाहिए। इट शुड बी इजीली अंडरस्टेबल, जो कि आसानी से समझने योग्य हो, मोटिवेशनल हो एंड विदाउट एक्सर्टिंग फिजिकल बर्डन ऑन द सब्जेक्ट, और कोई भी फिजिकल बर्डन उस सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो टूल है वो उसका एक उपयोग उसका होना चाहिए, यानी कि जो टारगेट पॉपुलेशन आपको दी गई है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो डिमांड्स हैं, उसके आधार पर ही आपको क्या है कि वो टूल डेवलप करना होता है, और वो जो आसानी से समझ में आ जाए और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो सही तरह से मोटिवेशनल होने चाहिए, ताकि आप जो सही रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिबिलिटी। प्रैक्टिबिलिटी मतलब होता है एक तरह से व्यावहारिकता, यानी कि प्रैक्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज इकोनॉमी कन्वीनियंस एंड इंटरप्रिटेबिलिटी, यानी कि प्रैक्टिबिलिटी एक व्यावहारिकता, यानी कि जो
आपका जो टूल है वो इकोनॉमी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा उसके अंदर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्वीनियंस सुविधापूर्वक होना चाहिए और इंटरप्रिटेटिवली, यानी कि आप जो भी उससे रिजल्ट्स प्राप्त कर रहे हो उस टूल से, वो आप आसानी से उसको इंटरप्रिटेट कर सको, उसकी व्याख्या कर सको सही तरीके से। तो इस प्रकार का आपका टूल होना चाहिए। तो इट रेफर टू द सिंप्लिसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आसानी से क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जो भी रिजल्ट देता है, जो स्कोरिंग देता है, जो उसका आप आसानी से इंटरप्रिटेट कर सको और उसको आसानी से क्या है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सको। तो इस प्रकार का जो आपका टूल है वो इस तरह से व्यवहारिकशील होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सको, स्कोरिंग कर सको और उसका इंटरप्रिटेट कर सको। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट द इंस्ट्रूमेंट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल फॉर बोथ द रिसर्चर एंड द सब्जेक्ट। आपका जो इंस्ट्रूमेंट आप जो यूज कर रहे हो वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए दोनों के लिए, रिसर्चर के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है सही आएगी, टूल्स का जो रिलायबिलिटी होती है वो सही आती है और आप एक सही तरीके से आपका जो माइंड है वो काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रिहेंसिबिलिटी। कंप्रिहेंसिबिलिटी मतलब होता है समझने योग्य, यानी कि आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हो वो एकदम समझने योग्य होना चाहिए ताकि आप उसके जो मेजर्स होते हैं वो एक्यूरेट आपको मिल सके, सिक्योर मेजर आपको मिल सके और वैलिड मेजर आपको मिल सके। तो रिसर्चर एज वेल एज सब्जेक्ट शुड बी एबल टू कम्प्रहेंड द बिहेवियर्स रिक्वायर्ड टू सिक्योर एक्यूरेट एंड वैलिड मेजर। रिसर्चर जो होता है वो उसको क्या है कि ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं जो क्या है कि उसके जो बिहेवियर है, यानी कि जो भी आप ढूंढना चाहते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो ऐसे बिहेवियर, वो सही तरीके से आपको एक्यूरेट और वैलिड मेजर उसको मिले। तो इस प्रकार का आपका जो टूल्स है वो होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी इट इज़ द वाइटल फॉर ए टूल टू बी वैलिड इन ऑर्डर फॉर द रिजल्ट टू बी एक्यूरेटली अप्लाइड एंड इंटरप्रिटेड। वैलिडिटी मतलब होता है वैधता। वैधता यानी कि आपका जो टूल है क्या मेजर कर रहा है वो पूरी तरह से वैलिड है या नहीं है, इसको क्या है कि हमको देखना होता है, वैलिड करना होता है, ताकि हम आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जो रिजल्ट हैं वो सही आपको प्राप्त हो। तो इट इज़ ए वाइटल फॉर टूल टू बी वैलिड, यानी कि आपका जो टूल है वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, ये वाइटल है। इन ऑर्डर टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्यूरेटली अप्लाइड, इसका रिजल्ट्स एक्यूरेटली अप्लाइड होना चाहिए और इंटरप्रिटेड होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि आपने डिप्रेशन के बारे में, आपको एक डिप्रेशन स्केल के माध्यम से आप डिप्रेशन चेक करना चाहते हो, तो आप केवल उससे डिप्रेशन चेक करोगे। यदि आप उस डिप्रेशन स्केल से किसी का वेट चेक कर रहे हो तो वो क्या है? वैलिड नहीं है। तो इसी तरीके से वैधता जो होती है वो होती है इसमें आप जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो उस चीज़ के लिए वैलिड है या नहीं है, तो ये हमको क्या है कि वह देखना होता है और यही इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि आप जो टूल यूज कर रहे हो वो कितना विश्वसनीय है आपके लिए, जो रिजल्ट्स आपको दे रहा है वो कितने विश्वसनीय रिजल्ट्स आपको दे रहा है, तो इसको भी क्या है कि हमको चेक करना होता है। तो रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ और द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम वे ईच टाइम इट इज़ यूज अंडर द सेम कंडीशन विच विद सेम सब्जेक्ट। रिलायबिलिटी की जो कंसिस्टेंसी है इंस्ट्रूमेंट की वो भी हमको चेक करती रहनी चाहिए, और द डिग्री जो भी डिग्री है उसकी, जो भी निकल के आ रही है, जो भी रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं उनको क्या है कि उनकी लगातार वही चीज़ आपको मिले, तो वो चीज़ क्या है कि आपको विश्वसनीय तरीके से उसको चेक करना चाहिए। एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द सेम वे ईच टाइम इट इज़ यूज अंडर द सेम कंडीशन विद सेम सब्जेक्ट, यानी कि आप उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको आपको चेक करना होगा। वो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आप सेम सब्जेक्ट्स के ऊपर सेम कंडीशन में क्या है कि आप उसको प्रत्येक बार क्या है कि उसको यूज करें, उस इंस्ट्रूमेंट को बार बार आप यूज करें, उसको देखें कि वो बार बार सही तरीके से जब भी आप उसका यूज कर रहे हो तो वो रिजल्ट जो है सेम दे रहा है। तो अगर सेम रिजल्ट दे रहा है तो वो क्या है कि रिलायबल है। तो इससे क्या है कि हमको पता चल जाता है कि हमें हमारा टूल है वो रिलायबल है। जैसे कि आपने कोई थर्मामीटर है, थर्मामीटर से आपने किसी का टेम्परेचर आप नोट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा वो तो जाता है लेकिन बार बार उसी समय पर उसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप टेम्परेचर एक बार लेने के बाद दोबारा
चेक करते हो तो आपको क्या है कि वेरिएशंस दिखते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा वेरिएशंस दिखते हैं तो इसका मतलब आपका जो टूल है वो क्या है कि वैलिड नहीं है। और अगर यदि थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन आपको लगता है या फिर सेम रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब आपका जो टूल है वो बिल्कुल एकदम रिलायबल है, यानी कि आपका सही तरीके से आपको रिजल्ट है वो आपको देगा। तो इस तरह से क्या है कि हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। तो उसका जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये हमको क्या है कि पहले देखने होते हैं टूल्स का उपयोग करने से पहले। अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की। वैलिडिटी इसी यूनिट का एक पार्ट है, इम्पोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट्स में आपका आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट और डिग्री टू विच ए टूल ट्रूली मेजर व्हाट इट इज इंटेंड टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। तो वैधता उस सीमा या डिग्री को रेफर करती है जिसके लिए कोई भी टूल वास्तव में मेजर करता है कि वो क्या मेजर करना चाहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए डिप्रेशन असेसमेंट स्केल शुड मेजर द डिप्रेशन नॉट ओनली नॉट द वेट। यानी कि आप अगर डिप्रेशन असेसमेंट स्केल का अगर आप यूज करते हो तो उसके जरिए आप केवल डिप्रेशन को मेजर कर सकते हो, ना कि आप वेट को। वेट को अगर मेजर करना है तो आपको वेंग स्केल का उपयोग करना होगा। तो डिप्रेशन चेक करने के लिए हमने डिप्रेशन असेसमेंट स्केल का यूज किया, तो डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन असेसमेंट स्केल जो है वो वैलिड है। तो यानी कि आपका जो भी आप क्या मेजर करना चाहते हो, आपका जो टूल है यानी कि जो डिप्रेशन असेसमेंट स्केल है, वो जो टूल है वो क्या मेजर करना चाह रहा है, वो डिप्रेशन मेजर करना चाह रहा है और वो उसने वो मेजर किया तो वो एक वैलिड है। अकॉर्डिंग टू द पायलट एंड हंगलर और पायलट के अनुसार वैलिडिटी रेफर टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू बी मेजरिंग। इसने भी यही कहा है कि वैलिडिटी उस सीमा या उस डिग्री को रेफर करती है जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करना चाहता है, क्या वो वास्तव में मेजर करता है और वो क्या मेजर करना चाहता है। तो वो चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर जो कहलाती है, जो सीमा होती है या जो डिग्री होती है, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। तो इसको फोर पार्ट्स में आपको डिवाइड किया गया है। इसमें फोर टाइप्स की जो वैलिडिटी होती है, इसमें जो पहली आती है फेस वैलिडिटी। इट रेफर टू वेदर द इंस्ट्रूमेंट सीम टू डू व्हाट इट इज इंटेंडेड टू डू एंड हैज ए यूजफुल पर्पस। फेस वैलिडिटी का मतलब होता है यानी कि आप कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, कई टूल्स ऐसे होते हैं जिनको फेस से यानी इनको एक नज़र से देखने से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वैलिड है, यानी कि ये इसके लिए ही वैलिड है। जैसे कि आपने वेट करने के लिए आपने वेइंग मशीन आपने देखी, ठीक है, तो वेट मशीन देखने से आपको पता चला कि नहीं ये तो मशीन जो है वो वेट लेने के ही काम आएगी, इससे हम टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको देखने से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें यही है, तो इट रेफर टू वेदर द इंस्ट्रूमेंट सीम टू डू, यानी कि इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं, व्हाट इज इंटेंड टू डू, कि वो क्या दिखना चाहते हैं एंड हैज़ टू यूजफुल पर्पज, उसका पर्पज क्या है, उसका यूजफुल पर्पज क्या है, तो वो देखने से ही उनको पता चल जाता है। दूसरा आता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इट इज द एक्सटेंट टू विच इट प्रोवाइड एडिक्वेट कवरेज टू द रिसर्च क्वेश्चन अंडर द स्टडी। मीन्स कंटेंट वैलिडिटी के अंदर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं उसके अंदर कंटेंट देखते हैं, ठीक है, कि जो कंटेंट हम उसके अंदर यूज करते हैं वो वैलिड है या नहीं। हम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि क्वेश्चन है टू असेस द एंजाइटी वुड बी हाई इन कंटेंट वैलिडिटी इफ इट इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट नॉन सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी सच एज मसल टोन एंड रैपिड पल्स रेट एटसेट्रा। जैसे कि हमने एक टूल लिया, एक क्वेश्चन हमने तैयार किया, ठीक है, क्वेश्चन एयर टूल होता है, तो उसको हमने तैयार किया। किस चीज़ के लिए तैयार किया हमने, कि टू असेस द एंजाइटी, एंजाइटी को असेस करने के लिए। तो एंजाइटी को असेस करने के लिए हमने जो टूल तैयार किया है वो उसके अंदर हाई कंटेंट वैलिडिटी होगी यदि उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे वो एंजाइटी से संबंधित हम क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जैसे कि मसल टोन, रैपिड पल्स रेट, इसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम क्या है कि यहाँ पर
इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के उस वो हम क्या है कि यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका कंटेंट वैलिडिटी। तो आपका जो वो क्वेश्चनेयर है यानी कि वो जो टूल है वो कंटेंट वैलिडिटी हाई है उसकी, यानी कि उसके जो कंटेंट वैलिडिटी वो हाई है। इसके विपरीत यदि हम जो कंटेंट है यानी कि आप एंजाइटी को असेस कर रहे हो लेकिन आप किसी दूसरी जो डिजीज है या दूसरे जो सिम्टम्स है उसके बारे में अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो वो हाई कंटेंट इन वैलिडिटी नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कंटेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी यूज सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन टू डिस्क्राइब ए कंसेप्ट एक्यूरेटली। द क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज वेरीफाइड बाय कंपेयरिंग इट विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और क्राइटेरियन। द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज स्कोर कोरिलेटेड हाई विद स्कोर ऑन द एक्सटर्नल क्राइटेरियन। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी यानी कि यहाँ पर हम क्राइटेरिया देखते हैं, यहाँ पर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम जो टूल्स हम जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो क्राइटेरिया क्या क्या हैं वो हम चेक करते हैं, वो वैलिड है या नहीं, जो विशेषताएं जो हम उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, उसको क्या है कि हम चेक करते हैं। तो इसमें क्या है, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी यूज सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या है कि हम कुछ एक्सटर्नल जो स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया होते हैं उनको भी क्या है कि इसके अंदर यूज करते हैं ताकि जो आपके कंसेप्ट हैं वो एक्यूरेटली डिस्क्राइब हो सके। द क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज वेरीफाइड बाय कंपेयरिंग इट। इसको क्या है कि हम कंपेयरिंग करते हैं, यानी कि जो हमने आपका जो रिजल्ट्स आए हैं टूल्स के जरिए उसको और जो एक्सटर्नल क्राइटेरिया को लेकर के हमारे जो रिजल्ट्स आए उनको क्या है कि हम कंपेयर करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज स्कोर कोरिलेटेड हाईली विद स्कोर ऑन द एक्सटर्नल क्राइटेरिया। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड कहा जाएगा, जब कहा जाएगा जब आपके जो स्कोर्स आएंगे यानी कि जो आपने स्कोर लिया है ओरिजिनल जो स्कोर लिया है आपने उससे और जो आपने एक्सटर्नल क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के आधार पर जो स्कोर आपका आया है दोनों क्या है कि स्कोर कोरिलेटेड है, हाईली इसका स्कोर मैच कर रहा है तो वो क्या है कि आपका जो टूल है वो वैलिड रहेगा। तो इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं हम कि टूल इज़ डेवलप टू मेजर द प्रोफेशनलिज्म अमोंग नर्सेज, यानी कि एक टूल जो हमने डेवलप किया है नर्सेज के प्रोफेशनलिज्म को मेजर करने के लिए कि जो नर्सेज हैं वो प्रोफेशनलिज्म है या नहीं, तो उसको मेजर करने के लिए हमने क्या है कि एक टूल डेवलप किया है प्रोफेशनलिज्म का। तो एंड टू असेस द क्राइटेरियन वैलिडिटी, तो इसकी जो क्राइटेरियन वैलिडिटी को हम असेस करते हैं तो नर्स वर सेपरेटली आस्क अबाउट द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर दे पब्लिश्ड। तो हम सेपरेटली क्या है कि जो नर्सेज होती है उनसे क्या है कि जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उसके आधार पर हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं उनसे रिलेटेड कि आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए हैं या आपने कितनी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज आपने अटेंड की है, तो इससे क्या है कि हमको उसका पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो नर्सेज हैं वो प्रोफेशनलिज्म है या नहीं। तो लेटर ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड टू असेस द क्राइटेरियन वैलिडिटी। फिर हम बाद में क्या है कि उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट से माध्यम से क्या है कि उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी को। तो यहाँ पर समझ में ये बात यह है कि हम नर्सेज का प्रोफेशनलिज्म वो मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करने के लिए हमने जो टूल डेवलप किया है उसके जरिए हमने क्वेश्चंस आंसर किए हैं और उसके आधार पर हमने उसके एक्सटर्नल क्राइटेरिया को भी क्या है कि ध्यान में रखते हुए जैसे कि हमने उससे और पूछे क्वेश्चंस पूछे कि हाँ भाई रिसर्च पेपर के आधार जो आपने कितने रिसर्च पेपर जो पब्लिश हैं वो किए हैं, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी अटेंड किए हैं, तो वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया में हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो इससे क्या है कि हमको उसकी वैलिडिटी का पता चल गया, यानी कि जो हमने क्वेश्चनेयर तैयार करके जो प्रोफेशनल तैयार किया था वो उसको और इस इनसे क्या है कि आपको उसको मैच करा के उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल करके आप क्या है कि वो वैलिडिटी को उस जो आपका जो टूल है उसकी जो वैलिडिटी है क्राइटेरियन रिलेटेड वो क्या है कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जो भी टूल आप यूज कर रहे हो वो किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है, उसका कंस्ट्रक्ट किस प्रकार से हुआ है।
तो आपका अगर टूल सही तरीके से उसका कंस्ट्रक्ट हुआ है तो आप वो वैलिड है या नहीं, तो वही हम क्या है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर चेक करते हैं। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर हम एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी टूल्स का क्या है कि देख सकते हैं कि उसका जो निर्माण है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज़ मोर कंसर्न विद द अंडरलाइनिंग एट्रीब्यूट्स देन विद द स्कोर देन दैट द इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो अधिक जिसका जो कंसर्न होता है वो एट्रीब्यूट्स के ऊपर रहता है, जिसमें बजाय स्कोर के, यानी कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या स्कोर दे रहा है, उसमें ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे करके उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें क्या है कि हम उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके आधार पर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, एक नर्स में डिज़ाइन एंड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द कंसेप्ट ऑफ पेन इन एम्पुटेटेड पेशेंट। इसमें क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, नर्स ने डिज़ाइन किया इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए कि आप पेशेंट जो एम्पुटेटेड पेशेंट होते हैं उनका कंसेप्ट पेन से रिलेटेड जो मेजर है वो आपको करना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि उस जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो उस पर फोकस ना करके हम उसके एट्रीब्यूट्स और देखते हैं कि उसका जो पेन है वो एम्पुटेटेड तो है, तो एम्पुटेट की वजह से तो हो सकता है पेन, लेकिन इसके अलावा और क्या ऐसी कंडीशन है और कैसे उसका साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी वजह से भी वो पेन फील कर सकता है। जैसे कि एंजाइटी की वजह से कि उसका पैर नहीं है या एम्पुटेटेड नहीं, एम्पुटेट है तो इसकी वजह से एंजाइटी हो रही है उसको, तो उसकी वजह से क्या है कि उसको पेन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम फोकस कर रहे हैं उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, यानी कि जो पेशेंट्स है उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से उसको पेन हो सकता है, तो वहाँ पर उसको क्या है कि फोकस हम करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है, आपका जो टूल है वो किस तरीके से आपका काम कर रहा है, किस तरीके से उसका निर्माण किया है, वो हम क्या है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर देखते हैं। यानी कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंसी है, एंजाइटी है, जजमेंट है, तो ये क्या आते हैं आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो इनके आधार पर हम क्या है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखते हैं, ना कि हम कोई भी स्कोर्स जो आपका आता है प्रोड्यूस होता है उसके आधार पर हम, वो मायने नहीं रखता इतना जितना जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मायने रखते हैं। तो ये होती है आपकी वैलिडिटी। तो इस तरह से आपकी जो वैलिडिटी है वो आपके यहाँ ख़त्म होती है। और जो वैलिडिटी है बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार शॉर्ट नोट्स में आपके आ जाती है। और इसके अलावा आज हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स देखे डाटा कलेक्शन टूल्स के, इसके जो टूल्स हैं वो आपने देखे, इसने क्यू शॉट, विजनेट्स, इन विवो बायो फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, इन विट्रो बायो फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, तो ये 11 टाइप के जो टूल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके करेक्टरिस्टिक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो वैलिडिटी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी वो आएगी आपकी रिलायबिलिटी और पायलट स्टडी की। तब तक के लिए थैंक्स।